स्टूडेंट अभी हम किसके ऊपर काम करते हैं, तो गोलसिक फॉर्मूला देखते हैं। गोलसिक मतलब क्या होता है कि जो गोलसिक फॉर्मूला होता है वो बेसिकली किसके ऊपर काम करता है, जिधर फॉर्मूला रहेगा उसके ऊपर ही काम करेगा, अगर फॉर्मूला नहीं है उसके अंदर काम नहीं करेगा। तो हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने बैंक से लोन लिया है, कितने लाख का लोन है, 2 लाख रुपये लोन लिया है, कितने साल के लिए लिया है, सपोज 5 ईयर्स के लिए लिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है कंपल्सरी, नंबर ऑफ पीरियड है ना मंथ, तो इसको क्या लिखा है बराबर ना B3 × 12, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने का, इधर ऐसे डायरेक्टली 60 लिखने का नहीं, इधर बाद में एनुअल इंटरेस्ट लिखा है 12% और इधर कितना लिखा है 1% लिखा है, और इधर PMT फार्मूला से हम आंसर निकाले कि हर महीना 4000 रुपये हमें देना पड़ेगा, समझे ना, हर महीना कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 4000 हमें अमाउंट देना पड़ेगा इधर से, ये फिलहाल हम डॉलर में ही रखते हैं, बोले ना 4448 रुपीज़ हमें देना पड़ेगा। लेकिन अभी कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें लोन तो इतना चाहिए, लेकिन कोई क्या बोलेगा कि मुझे इतना पैसा देना पॉसिबल नहीं है, ये जो 4000 है वो 4000 साढ़े 4000 देना पॉसिबल नहीं है, मैं 3000 दे सकता हूँ या फिर 4000 ही दे सकता हूँ, बोले ना बैंक के पास ऐसे बोलते ना कि थोड़ा EMI थोड़ा कम कर दो, तो EMI कम करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें से इंटरेस्ट रेट तो सेम रहेगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं 5 साल जिधर पे करने वाला था उधर 6 साल पे करूँगा, 7 साल पे करूँगा, बोला जितना ही हिसाब से आएगा ना उतने साल पे करूँगा, लेकिन मुझे इतना अमाउंट अभी देना पॉसिबल नहीं हर महीना, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा कम करना चाहते हैं, ये जो लिखा अमाउंट, इस अमाउंट को थोड़ा क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, मतलब 4500 की जगह कितना दे सकते हैं हम 4000 या फिर 3000 दे सकते हैं, तो अगर इधर अमाउंट सपोज कम करोगे तो इधर साल बढ़ जाएगा, कितना साल आपको पैसा देने का है वो, तो हमें एडजस्ट करने का, मतलब ये दो सेल में हमें सेट करने का है, ये सेल बढ़ जाएगी हमारे, क्योंकि 5 साल की जगह 6-7 जितना भी साल हो जाएंगे, लेकिन हम अमाउंट कितना देना चाहते हैं, कम अमाउंट देना चाहते हैं, बराबर, तो कैसे आएगा इधर से, डेटा में जाने का है, ऑडिट एनालिसिस, और उसमें कितने जाओगे, गोल सिक के अंदर जाने का, इसमें जाओगे गोल सिक, आगे बाद में क्या बोल रहा है, सेट सेल, सेट सेल मतलब क्या, कौन सी सेल को सेट करना पड़ेगा आपको, तो इस सेल को सेट करना पड़ेगा, बोलो ना ये सेल भी चेंजेस करने का ना, टू वैल्यू मतलब क्या कि आप 4500 की जगह कितना रुपये देना चाहते हो, 4000, लेकिन -4000 लिखने का, क्योंकि पैसा कम होने वाला है ना, इसलिए क्या लिखोगे इधर -4000। बाय चेंजिंग सेल मतलब क्या कि अगर आप इधर सपोज 500 रुपये कम दोगे तो किधर वैल्यू बढ़ना चाहिए, तो इधर वैल्यू बढ़ जाएगी, साल बढ़ जाएगा ना, मतलब 5 साल की जगह 5.5-6 साल हो जाएंगे, समझ रहे क्या करने का है, तो ये वैल्यू हमारी कम हो जाएगी तो इधर वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब ये दो सेल को हमें सेट करके दिखाने का है कि अगर हम 4000 रुपये देंगे तो कितने महीने हमें पैसा देना पड़ेगा, इसको ओके करते हैं, अगर इसको सॉल्यूशन मिलता है तो वो बताएगा ओके करके, देखो जरा क्या लिखा है, गोल सीकिंग है ना, फाउंड अ सॉल्यूशन, मतलब उसको सॉल्यूशन मिल गया, टारगेट वैल्यू क्या था 4000, तो अगर हम 4000 देते तो हमें कितना महीना देना पड़ेगा, 69.66 मंथ पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे इतना है? समझ रहे कैसे किया था, फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ, बोलो जरा वापस कैसे करोगे, डेटा ऑटिप एनालिसिस और उसमें क्या जाने का है, गोल सिक, अभी टू वैल्यू सेट सेल में यही सेल लिखा, टू वैल्यू की जगह क्या आएगा, अभी 4500 की जगह कितना लेता हूँ मैं, -3000 लिखता हूँ, मतलब 3000 ही देते हम, अगर 3000 देंगे तो कितना साल बढ़ जाएगा वो देखने का है, तो बाय चेंजिंग सेल में क्या आएगा, इस सेल के ऊपर क्लिक कर दो, मतलब ये साल बढ़ जाएगी, लेकिन इधर फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं रहेगा तो आंसर शो नहीं करेगा, समझे ना, अरे इधर टारगेट अमाउंट हमने रॉन्ग लिखा, सिर्फ 300 लिखा, समझे ना, देखते वापस कैंसिल करके, गोटिप एनालिसिस गोल सिक सेट सेल तो यह आएगा, टू वैल्यू मतलब 3000 लिखने का, -3000 नहीं, बाय चेंजिंग सेल कितना आएगा, ये वाली सेल को चेंज कर दो और ओके करो, तो देखो मिल गया उसको सॉल्यूशन, कह दिया उसने अगर आप 3000 से देते हो तो कितना महीना देना पड़ेगा, मतलब 9 साल देना पड़ेगा आपको, समझ रहे इतना, समझेगा इसका यूज किधर करोगे,